हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आलू और गेहूं के आटे से अलग ही नाश्ता बनाने चल रहे हैं। तो ये हमने आलू लिया था, लगभग 250 ग्राम है हमारा आलू। ये बॉयल कर लिए हैं, इसको हम मिक्स कर लेते हैं इससे बारीक से। ये आलू इस तरह हमने मिक्स कर लिया, एकदम बारीक है, मीज लिए हैं इसको। अब इसको फ्राई करने चल रहे हैं। तो ये हमने दरदरा कूटा हुआ 1 चम्मच लिया है अदरक, मिर्चा और लहसुन का दरदरा कूटा हुआ, और ये 1/2 छोटा चम्मच भुजा हुआ जीरा है, पीस लिए हैं इसको। अब इसको फ्राई करने चल रहे हैं। तेल हमारा गरम हो गया, इसमें 1/2 छोटा चम्मच हम जीरा डाल रहे हैं, और ये राई है, ये है इसमें। अब लहसुन मिर्चे का जो बारीक दरदरा कटे हैं उसको मिला रहे हैं। आलू को इसमें डाल रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं। इसमें जो हम भूजा हुआ जीरा लिए हैं उसको मिला रहे हैं। ये 1 छोटा चम्मच हम अमचूर पाउडर डाल रहे हैं इसमें। ये 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है। ये हमने मिर्चा पाउडर है। स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं। इसको भी मिला ले रहे हैं थोड़ा सा। ये हमारा मिक्स हो गया है। ऊपर से हरी धनिया मिला ले रहे हैं। ये हम 1 चम्मच हरी धनिया बारीक कटी हुई लिए हैं, इसको हम मिला दे रहे हैं। ये हमारा रेडी हो गया है, इसको हम रख दे रहे हैं। अब आटा लगा रहे हैं। ये लगभग हमने 250 ग्राम आटा लिया है, इसमें अजवाइन मिला रहे हैं हम, और ये बेकिंग सोडा है खस्ते के लिए मिला रहे हैं थोड़ा सा, 1/2 छोटा चम्मच। अब ये घर वाले चम्मच है, तो इससे हम रिफाइंड दे रहे हैं। 3-4 चम्मच लगभग मिला ले रहे हैं ताकि खस्ता हो। इसको हम हाथ से पहले मिलाएंगे। हम इसको मिला लिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं। ये आटा हमने सान के रख दिया था, तो ये एकदम सॉफ्ट है। इसको हम बनाने चल रहे हैं। इधर हमने सूखा आटा लिया है, तो आटा हमने तोड़ के रख लिया था। इसको हम रोटी बराबर लोई काटेंगे। इसको हम रोटी बराबर बना लेंगे। ये हम रोटी बराबर बना लिए हैं। अब इसमें हम आलू लगाएंगे। आलू हमने फ्राई कर लिया था। ये हमारा आलू है, रेडी है। इसको हम जो आलू का इसमें सब मिलाएंगे। हाँ, इसमें हम सब मिलाए हैं। इसको हम बारीक लगाएंगे इस पर पूरा। ये हम इस पर आलू लगा दिए हैं बराबर से, बहुत पतला लगाए हैं, मोटा नहीं लगा है। अब इसको हम रोल बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम रोल बना रहे हैं इसको। ये हमारा रोल बन गया है। अब इसको हम चाकू से बड़ा बड़ा कट करेंगे। ये हमारा कट गया है पीस पीस। अब हम इसको इस तरह से लेंगे और ऐसे चपटा कर देंगे। हमारा
बन गया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे, आप कम तेल में भी कर सकते हैं। ये हम सभी बना लिए थे टिकिया जैसे, इसको हम तेल गरम है हमारा फ्राई करने चल रहे हैं। हमको धीमी ही आंच में फ्राई करना है, ज़्यादा आंच तेज नहीं करना है। पक गया है, अब इसको हम निकाल ले रहे हैं सभी प्लेट में। हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा गेहूं का आटे का एकदम टेस्टी नाश्ता बन के तैयार है। ये आप चाय के साथ भी खा सकते हैं और चटनी के साथ भी। और मेरा ये नाश्ता आप लोग को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।